हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इडियट्स रिएक्शन। आज हम देखने वाले हैं इश्क मिटाए, जो कि अमर सिंह चमकीला मूवी की तरफ से निकल आ रहा है। और ये मूवी मेरी इतनी एक्साइटमेंट है, ये बस मूवी आ जाए। अब नेटफ्लिक्स पे आ रही है जल्दी ही ये मूवी। और दिलजीत पाजी की बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें, हेयर्स को लेके बहुत ही वर्क किया है। और जिनको अमर चमकीला, तो यार ऑब्वियसली जो इस वीडियो पे है उनको सबको पता है चमकीला जी कौन थे, लेजेंड है। नो, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हस्ती थे वो यार एक टाइम पे, अभी भी है, हम भी सुनते हैं। अखा बिल्लियां ते गन्ना गोल मोलनी, ठीक है। इम्तियाज अली की डायरेक्टर डायरेक्शन में और ए आर रहमान जी का म्यूजिक है, तो गाड़ फाड़ रिजल्ट है ये मेरे अकॉर्डिंगली। और गाना बिना देखे मैं बता देता हूँ अच्छा होने वाला है, मेरे को पक्का पता है, क्योंकि दिलजीत पाजी इज नेवर डिसअपॉइंटिंग, कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो वीडियो करते स्टार्ट, देखते हैं क्या नहीं है। चैनल पर नए आए हो तो आनकर लाड़ मर के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। वीडियो करते स्टार्ट। Calm your mind with chakra based meditation music. Sarigama Karva Wellness. Chhat pachhiyan rangadi, dhup barsati. Oh, sun rangi dharti. Parniti. Gote ranga hai. 1980. Bilkul. Ye waqiye mein untold hai. अपने धंधे की फितरत समझिए, जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तब जनता के अंदर एंटरटेनमेंट की भूख और भी बढ़ जाती है। इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क मिटाए। इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय। इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क बनाए हाय हाय। कर सकता हूँ हमेशा, मैं नहीं करूंगा तो और वो जो पेड़ है ना, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत पंजाबी मूवीज शूट हुई हैं। वो गिप्पी गरेवाल की भी शूट हुई है वहाँ पे। माया फिल्म आवे खनिया में वीसीआर मंगा दे, तो मेरा काम है। जीवे आग मेरी सारा जल मेरा जीवे, जीवे आग मेरी सारा जल मेरा जीवे। पहली बार ऐसी लुक पाई, मायनी में तड़पन पाई, मायनी में तड़पन पाई। हाँ बिल्कुल, भाई उस टाइम पे क्या करे सच चमकीला जी का। भाई हम तो चलो पैदा भी नहीं थे वो उस टाइम पे, बट भाई जो इतना जितना हमने अपनी एज में आके देखा और सुना है, भाई बवाल यार, लेजेंडरी सिंगर यार, नो डाउट। और रहमान सर का म्यूजिक बहुत प्यारे गाने लिखते हैं। ओ भाई क्या बात है यार, नाइस यार। ओ भाई साहब, फिल्म भाई इम्तियाज अली भाई, इनके इनकी फिल्म तो भाई नो डाउट, ठीक है। तो थोड़ा चलते हैं डिस्क्रिप्शन में। म्यूजिक कंपोज एंड प्रोड्यूस अरेंज बाय ए आर रहमान सर, यार वो ऐसी चीज वही देते हैं। इरशाद कामिल जी के लिरिक्स से मोहित चौहान की आवाज थी, मस्त था, ठीक है। तो म्यूजिक एंड मिक्स मास्टर किया नीतीश कुमार, बहुत प्यारा, क्या एक एक चीज एलिमेंट आपके दिख रहे हैं यार, सुनाई दे रहे हैं। वोकल पे भी बहुत प्यारा काम हुआ हुआ है, ठीक है। ढोल हनीफ डफरानी और असलम डफरानी ने बजाया है, बहुत प्यारा, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना ही रखेंगे, अभी ज्यादा नहीं आगे पहुंचेंगे, बहुत कुछ होता है वैसे तो बीच में, रिकॉर्डिंग इंजीनियर असिस्टेंट ये वो, रिकॉर्डिंग ये, हेड ऑफ टेक्निकल सर्विस, बड़ी चीजें हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी मूवी को लेके, भाई क्या लगता है कैसी होने वाली है। अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ कर जाना, जो जो दिलजीत पाजी को प्यार करते हैं, ठीक है। मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट है इस मूवी की, मैं लिटरली, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है और भाई ने वर्क भी किया इस पे अपनी लुक्स को लेके, समथिंग हर एक चीज को लेके, ठीक है। और एक यूनिक वे में, एक
मूवी निकल कर रही है, ट्रू स्टोरी है, मतलब चमकीला जी की लेजेंडरी, ठीक है। तो बाकमाल, अभी परिणीति जी का भी अच्छा लग रहा है बीच में, नो डाउट। बाकी देखते हैं कैसा किरदार है, वैसे तो अच्छा निभा जाती हैं, तो देखते हैं कैसा होने वाला, कैसा नहीं, किस किस को इंतजार है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। अगर कोई और रिएक्शन चाहिए आपको इसका तो जरूर बताना, कोई भी चाहिए होगा। अगर नहीं आया चैनल पर तो आन गन मर के चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो करते मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए।